आज हम सीखेंगे ये फ्री हैंड बनाना। ओके, तो चलो हम फ्री हैंड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं फ्री हैंड बनाना। सो फ्री हैंड के लिए यहाँ से हम लाइन करेंगे इस तरह, सेंटर में ये हमारी लाइन होनी चाहिए इस तरह से। ओके, देन अब हम यहाँ पर इस तरह से शेप बनाएंगे धीरे धीरे इस तरह से। इस तरह से फिर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, और जैसा शेप हमने इस साइड बनाया है वैसा ही सेम हमको इस साइड बनाना होगा। पहले हम इसको अब डार्क कर देंगे इस तरह से। नाउ इस साइड सेम जैसा हमने इस साइड शेप बनाया वैसा ही हमको इस तरफ बनाना है। कि यहाँ पर हमको दोनों का सेंटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो हम स्केल से इस तरह से लाइन करके और सेम जैसा यहाँ पर शेप है वैसा यहाँ पर हम ला सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का डॉट डॉट करके और फिर हम यहाँ पर इसको ले जाएंगे। देन यहाँ पर हमको आइडिया आ जाएगी कि हमको यहाँ से इस तरह से टर्न करना है। ओके, देखिए इस तरह से यहाँ पर नोट, देखिए दोनों का साइज जो है बिल्कुल सेम है, एक जैसा लगना चाहिए, नहीं तो ये हमारा फ्री हैंड नहीं लगेगा। दोनों का इक्वल साइज होना चाहिए। यहाँ से हम इस तरह से लेंगे इस तरह से। देन यहाँ पर हम इसको उल्टे साइड करेंगे इस तरह से, और फिर हम इसको यहाँ पर लाइक पत्ती का शेप कैसे होता है लीव्स का, इस तरह से हम इसको यहाँ पर शेप देंगे। अब जैसा शेप हमने इस तरह ड्रॉ किया है सेम वैसा शेप हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। उसके लिए अगर हमारा साइज यहाँ से वहाँ होता है, अगर हमको डर लगता है तो हम स्केल से इसको माप कर और सेम यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं कि हमको यहाँ से फोल्ड कहाँ तक करना है, राउंड कहाँ तक करना है, फिर टर्न कैसे करना है। तो स्लाइडली इसको जो है डॉट डॉट से हम इस तरह से कर सकते हैं। कि देखिए ये साइज भी हमने साइड भी हमने सेम इस तरह से बना लिया। अब हम यहाँ पर इस तरह से हार्ट शेप बनाएंगे। ओके मैम, यहाँ पे हार्ट शेप बना रही है, आप चाहे तो कोई भी शेप यहाँ पर बना सकते हैं। कि मेन इसका होता है सेंटर, सेंटर में से आप जो भी डिज़ाइन ले रहे हो वो दोनों साइड बोथ साइड विल बी सेम। ओके, दोनों साइड जो है सेम होनी चाहिए लाइक दिस। देन यहाँ पर ऊपर से हम कुछ इस तरह से राउंड करेंगे इस तरह से। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, अब इसको रफ करेंगे। अब हमारा जो भी रफ वर्क है इसको हम रेस करेंगे। ओके, सो अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। देखो ये हमारा फ्री हैंड जो है एकदम अच्छे से रेडी हो गया है, और जो भी हमारी सेंटर है उसको हम इस तरह से रफ कर देंगे। ओके, और अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। सो अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। यहाँ पर मैम ऑरेंज कलर कर रही है, आप चाहे तो कोई भी कलर आपके चॉइस का आप कर सकते हो, लेकिन कलर करते वक्त आपको ध्यान देना है कि कलर आप जो कर रहे हो एकदम फिनिशिंग के साथ स्लोली स्लोली इस तरह से करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप कलर अच्छा नहीं करोगे, आपकी ड्राइंग अच्छी बनी हो तो फिर वो जो ड्राइंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखिए इस तरह से हम स्लोली स्लोली कलर करेंगे। आप भी मैम के साथ फ्री हैंड बना रहे हैं ना ड्राइंग बुक में, गुड। सो यहाँ पर मैम ने ऑरेंज कलर कर दिया, अब हम यहाँ पर ब्लू कलर करेंगे इस तरह से। आप चाहे तो ग्रीन, येलो, कोई भी आपका फेवरेट कलर कर सकते हैं।
सो अब हम यहाँ पर जो है रेड कलर करेंगे इस तरह से। आप पेंसिल कलर या कोई भी और भी कलर से जो है फ्री हैंड में कलर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैम ने जैसे आपको कलर बता रहे हैं आप भी वैसा ही कलर करो, सिर्फ आपकी ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए। सो अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर करेंगे और ये कलरिंग करने के बाद लास्ट काम हम क्या करते हैं, यस क्या करेंगे हम आउटलाइन करेंगे। सो आउटलाइन से हमारी ड्राइंग और भी अट्रैक्टिव हो जाएगी, है ना। सो हमारा फ्री हैंड जो है रेडी है, हम इसमें लास्ट काम क्या करेंगे, यस आउटलाइन करेंगे। देखिए मैम ने जो है मार्कर लिया है, आप चाहें तो ब्लैक स्केच से या ऑरेंज स्केच से भी आप आउटलाइन कर सकते हैं, जो आपने कलर भरा है आप उसी से आउटलाइन भी कर सकते हैं, ठीक स्लोली स्लोली। और जब भी आप आउटलाइन करते हैं एकदम अच्छे से स्लो में जाते हैं ताकि फिनिशिंग के साथ हमारी आउटलाइन। देखिए मैम ने मूव कर दी है इस तरह से, आप चाहे तो कोई और भी इस तरह से दो राउंड बनाकर सर्किल करके आप ऐसा भी शेप दे सकते हैं, अगर आपको कोई और शेप आता है तो आप और कोई भी शेप ले सकते हैं। ओके सो ये हमारा फ्री हैंड जो है रेडी है। ओके सो आप भी घर में ये फ्री हैंड अपनी ड्राइंग नोटबुक में बनाएंगे। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।